हमारा ही प्रस्ताव है, संपूर्ण सर्वसम्मति से इसको पारित किया है। और आप जानते हैं 7 महीना पहले हमने आरसीपी सिंह जी को बनाया था, अब वो केंद्र में मंत्री बने तो उनकी इच्छा थी कि हमारी जगह पर ललन जी ने, सब लोगों को मंजूर था, सब लोग एक मतलब कि एक विचार से, पूरी सहमति से सब लोगों ने ही तय किया कल की बैठक में। और हमारे आप जानते हैं कि विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं, हमारे पार्टी का जो संगठन है दूसरी जगहों पर, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, भाषण दिया, फिर इसके बाद ये विषय आया, सब लोगों ने एकजुट होकर के, और फिर उनसे लोग अलग से भी काफ़ी मिले हैं। और हम तो आज थे ही, आज यहाँ आना था हमको शाम में, तो काफ़ी विभिन्न राज्यों के लोगों से मुलाकात होती रही। तो अपने पार्टी में हम लोगों के यहाँ देखिए कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं, एकजुट। अब ललन जी का आप सब जानते हैं कि बहुत जमाने से, जब से ये पार्टी है तब से उनका रिश्ता है, तो उनके बारे में तय किया गया तो ये अच्छा निर्णय है। उपेंद्र कुशवाहा है, क्या कहेंगे? ना ना ना, कुशवाहा जी आपको पीएम मटेरियल बोले हैं, पीएम मटेरियल कुशवाहा जी बोले हैं कि नीतीश जी नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे कि पीएम मटेरियल है 2024। ऐसी बात नहीं, कल के मीटिंग में सब लोग थे, सब लोगों को जब ये प्रस्ताव रखा है आरसीपी सिंह जी ने, तो उसके बाद सब लोगों का भाषण हुआ, सब लोगों ने कहा आपको आज मुस्कुरा के पीएम मटेरियल बताया है, पीएम मटेरियल बताया है, पीएम कुशवाहा ने कहा कि आप पीएम मटेरियल हो सकता है जी। ये लेकिन सब बात एक बात और कहा है उन्होंने, लेकिन एक बात और कहा है वो, नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे कल मीटिंग में थे ही और मीटिंग में सब लोग बोले हैं एकजुट से, सब उन्होंने कहा कि जेडीयू को वो एक नंबर पार्टी हम लोग बनाएंगे और आने वाले समय में हमारे नेता पीएम मटेरियल है। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं, लेकिन नहीं है, लेकिन पीएम मटेरियल है, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सब एकजुट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत पूरे तौर पर अपना जो वक्तव्य भाषण दिया वहाँ, और पूरा समर्थन किया है एकजुट होकर के। और सब लोग कल तो जब हो गया था उसके बाद सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे हैं, पुराना रिश्ता है हम लोगों का, जब अब बाहर आ चुके हैं तो उनके बारे में मालूम हुआ तो बातचीत हुई, और आज उनसे हम मिलने गए उनको बधाई देने के लिए। और पहले तो आप जानते ही हम लोगों का बराबर मुलाकात होना ये सब चीज रहता था, तो जो उनका घर है वहीं पर जाकर के आज उनसे मुलाकात। जातिगत जनगणना के बारे में तो आप जानते हैं कि हम लोगों के पार्टी ने भी कल राष्ट्रीय स्तर पर रिजोल्यूशन लिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इस राय के पहले से ही लोग हैं। और बिहार में तो आप जानते ही हैं कि सर्वसम्मति से 2 बार पारित हुआ है, यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों में पारित हुआ, 19 में 20 में विधानसभा में पारित हुआ, भेजा गया केंद्र में भी। तो हम लोगों की जो राय है वो तो सब लोगों को मालूम है। साइड इफेक्ट तो नहीं होगा किस पर? बीजेपी चाह रही है कि ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं कि सब लोगों को मालूम है कि बिल्कुल ही सर्वसम्मति से, और आज आप यहाँ पर पूछ लीजिए, विजय बाबू हैं अब तो ये मंत्री, उस समय तो विधानसभा के अध्यक्ष थे, जरा आपको यही बता दें कि सारे पार्टी के लोगों ने ही रात का तो था, जो कुछ भी पारित कराया इन्होंने पारित कराया। सर एक सवाल था, इसलिए इसमें देख लीजिए सब लोग एक मत के रहे और ये होना चाहिए, ये हम लोगों की इच्छा है। और इसके लिए जो प्रस्ताव आया है सब लोगों का, विपक्ष के सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई 2 दिन पहले, तो उसमें जो बात आई है तो हमने कह ही दिया था, वहाँ से लौट करके आएंगे और कल जो जनता के दरबार में कार्यक्रम है उसके बाद हम इस काम को करेंगे। तो कल तो हम लोग बात करके सब लोगों का उसके आधार पर भेजेंगे। देश के कई राजनीतिक पार्टी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर आगे नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री से बात करें, जो बातचीत है कल हम लोग इस पर और बात करके आपस में सब लोगों का, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में एक जरूर पत्र लिखेंगे, और पत्र लिख करके समय मांगेंगे, और कौन कौन लोग जाएंगे विभिन्न पार्टियों से उनका भी कल सब लोगों का नाम लेकर के हम लोग पत्र भेजेंगे और बात भी करना चाहेंगे। जो मुलाकात हुई थी इस पर, इसी पर बात हुई थी? जी जी बिल्कुल, वही बात कह रहे हैं, मैंने तो वही कहा ही कि लोगों की जो राय थी बिल्कुल सब इसमें हम लोगों की सबकी सहमति, तो बातचीत तो किया ही है।
और उसके बाद वही हमने कहा था। तो कल इसके बारे में अंतिम रूप से सब लोगों से लेकर के जो जो लोग इच्छुक होंगे जाने के लिए एक साथ मिलकर के जाएंगे, और हम लोग तो अपनी बात रखना चाहते हैं। जदयू पर लॉक उस समीकरण की बात हो रही थी, अब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्ण जाति का है। देख लीजिए इतने लोग ना ऐसा मत यार, तू दादा मैं कैमरे के लेंस के पार्टी में, इसलिए ये बात मत सोचिए कुछ।